इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्रोम ब्राउजर में डिफॉल्ट सर्च इंजन कैसे सेट करते हैं और उसे कैसे बदलते हैं। हेलो नमस्ते, मेरा नाम एकता है। अब जब भी आप ब्राउजर खोलकर कुछ सर्च करते हैं या खोजते हैं तो ब्राउजर की सेटिंग्स में एक सर्च इंजन बाय डिफॉल्ट अपने आप से जुड़ा हुआ होता है। मान लीजिए कि आपने क्रोम ब्राउजर में कुछ टाइप करके सर्च किया तो बैकग्राउंड में क्रोम किसी सर्च इंजन जैसे कि गूगल, याहू या बिंग की मदद से आपको सर्च के रिजल्ट्स या खोज के परिणाम दिखाता है। वैसे तो कई सर्च इंजन्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर है गूगल। 70-80% लोग गूगल पर ही सर्च करना पसंद करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप डिफॉल्ट सर्च इंजन का ही इस्तेमाल करें। अब ये आपकी प्रेफरेंस है या ये आपकी मर्जी है। अब ऑफलाइन दुनिया से अगर एक एग्जाम्पल लें तो टीवी पर कई चैनल होते हैं, पर ये जरूरी नहीं कि टीवी ऑन करने पर जो पहला चैनल आया या जो पहले से लगा था वही आप देखें। आप अपनी मर्जी के चैनल पर प्रोग्राम देख सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह आप अपने मन पसंद सर्च इंजन पर खोज सकते हैं, उसे ब्राउजर के साथ जोड़ सकते हैं। आइए सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि क्रोम ब्राउजर पर पीसी या कंप्यूटर से डिफॉल्ट सर्च इंजन कैसे बदला जाए। ये मेरा क्रोम ब्राउजर खुला हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ऊपर ये तीन बार्स हैं, इधर हम क्लिक कर देते हैं। अब एक डब्बा सा खुल गया और यहाँ पर नीचे है सेटिंग्स। सेटिंग्स पर क्लिक करके क्रोम ब्राउजर की सेटिंग्स खुल गई। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर है सर्च और इधर फिलहाल मेरा डिफॉल्ट सर्च इंजन जो पहले से सेट है वो है गूगल। अगर मैं इधर क्लिक करती हूँ तो ये देखिए यहाँ पर मुझे कुछ और सर्च इंजन्स भी दिख रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि जब हम सर्च करते हैं तो रिजल्ट्स कैसे आते हैं। ये देखिए, ये ऊपर मैं एक नया टैब खोल लेती हूँ, ये है हमारा ओमनी बॉक्स। अब हम यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं जैसे कि क्या, कैसे। मैंने कोई सर्च इंजन यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया, मैं सिर्फ क्रोम ब्राउजर से जा रही हूँ और जैसे ही मैं एंटर करती हूँ तो ये देखिए ये गूगल सर्च इंजन के सारे क्या कैसे से संबंधित सर्च रिजल्ट्स आ गए। लेकिन अब अगर मैं गूगल को बदल के बिंग कर देती हूँ, यानी कि डिफॉल्ट सर्च इंजन अब बिंग हो गया, तो जब मैं यहाँ पर ऊपर ओमनी बॉक्स में क्या कैसे टाइप करूँगी तो ये देखिए ये बिंग के रिजल्ट्स आ गए। ये गूगल सर्च इंजन नहीं, ये माइक्रोसॉफ्ट का बिंग सर्च इंजन है। तो इस तरह से आप अपने डिफॉल्ट सर्च इंजन को यहाँ से बदल सकते हैं। तो यहाँ पर तो फिलहाल कुछ ही सर्च इंजन्स हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कोई और सर्च इंजन यहाँ पर लगाएं तो यहाँ पर एक बटन है जहाँ लिखा है मैनेज सर्च इंजन्स, इधर क्लिक कर दीजिए और अब एक पॉपअप सा खुल गया। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सर्च इंजन्स हैं, शायद इनमें से कोई मैंने यूज़ किए होंगे पास्ट में, तो आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। चलिए हम पहले नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर कुछ डाल देते हैं, जैसे कि ये है याहू, तो हम यहाँ पर मेक डिफॉल्ट पर क्लिक कर देते हैं और इससे होगा ये कि ये देखिए ऊपर इधर ये याहू आ गया और इसके अंदर ब्रैकेट्स में लिखा है डिफॉल्ट, यानी कि हमारा डिफॉल्ट सर्च इंजन अब याहू सेट हो गया। बस डन के बटन पर क्लिक कर दिया। अब वही ओमनी बॉक्स में अगर मैं क्या कैसे टाइप करती हूँ तो ये देखिए ये याहू इंडोनेशिया का पेज खुल गया और यहाँ पर ये सब के सब सर्च के परिणाम आ गए। अब अगर मोबाइल से क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिफॉल्ट ब्राउजर को कैसे बदलें, आइए देख लेते हैं। ये है मेरा मोबाइल फ़ोन जो है सैमसंग नोट 4। मैं यहाँ क्रोम ब्राउज़र खोलकर इसकी सेटिंग्स में चली जाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ऊपर ये तीन डॉट्स हैं, इधर क्लिक किया और अब एक पॉपअप सा खुल गया और अब हम यहाँ पर सेटिंग्स पर चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये सर्च इंजन
गूगल अपने आप से बाय डिफॉल्ट चुना हुआ है। हम उधर क्लिक कर लेते हैं और अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये सर्च इंजन्स आ गए। यहाँ पर देखिए गूगल, याहू, बिंग, आस्क जीव्स ये हैं। तो मैं यहाँ पर चलिए बिंग चुन लेती हूँ और मैंने अपने फ़ोन में लोकेशन ब्लॉक की है जिससे कि वो मेरी लोकेशन ट्रैक ना कर पाए। लेकिन आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, इससे इसकी सेटिंग पर कोई असर नहीं होगा। चलिए क्लोज पर हम क्लिक कर देते हैं और ये देखिए सर्च इंजन बिंग है। अब हम क्रोम दोबारा से खोलते हैं, ये रहा क्रोम। और अब हम यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं जैसे कि क्या कैसे, और ये देखिए इसको मैं डिसमिस कर देती हूँ। ये सर्च के जो रिजल्ट्स हैं, जो सर्च के परिणाम हैं, ये बिंग पर आ गए। तो आप मोबाइल पर भी क्रोम पर अपना डिफॉल्ट सर्च इंजन सेट कर सकते हैं। तो देखा आपने, बस कुछ ही देर में आप अपने ब्राउजर का डिफॉल्ट सर्च इंजन बदल सकते हैं और अपना मनपसंद सर्च इंजन लगा सकते हैं। क्या कैसे के यूट्यूब चैनल पर 340 से भी ज्यादा वीडियोस हैं। अगर आप पीसी से ये वीडियो देख रहे हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करके, और अगर आप मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके ये सारे वीडियो एक के बाद एक देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। YouTube पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन या सूचना पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।